हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ राजेश कुमार और इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं लेकर आया हूँ क्लास टेन का, ये क्लास नाइन का इंग्लिश का बुक, जो कि चैप्टर टू में जो पोएम था दोस्तों, एक छोटा हुआ था वाइंड, जिस चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं उस पोएम को और हम लोग पढ़ेंगे उसको बहुत ही ध्यान से दोस्तों। तो हम लोग अभी जो है शुरुआत करेंगे इस चैप्टर को। तो इससे पहले मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाएं, ताकि ये चैनल जो है आगे बढ़ाया जा सके और सभी तक इस चैनल में बांटा जा रहा जानकारी को हर किसी को प्राप्त हो सके दोस्तों। इसीलिए इस चैनल को क्रिएट किया गया है, ताकि हर किसी को जानकारियाँ अच्छे से मिल सके और सभी को ये पढ़ सके दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आगे की और पढ़ाई करेंगे भी। तो देखिए दोस्तों, जो ये हमारा चैप्टर टू था द साउंड ऑफ म्यूजिक क्लास नाइन का दोस्तों, उसी का हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो देखिए हम लोग अभी शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरुआत करते हैं इसका जो पोएम बचा था इसी चैप्टर का, तो इस चैप्टर का पोएम हम लोग अभी तुरंत शुरुआत करेंगे और हम लोग देखेंगे इसको, समझेंगे। बहुत ही बेहतरीन सा एक पोएम है दोस्तों, हम लोग को बहुत कुछ सिखाएगा आज ये पोएम। तो हम लोग अभी सीखते हैं उसको पढ़ के दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। और ये रहा, चलिए तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए मैटर क्या है पहला, ठीक है, यहाँ पे वर्डिंग लिखा हुआ है दोस्तों, आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए क्या कहता है, देखिए वाइंड या तो विंड, ठीक है, अमेरिकन भाषा में अगर पढ़ा जाए तो वाइंड, अगर ब्रिटेन का पढ़ा जाता तो विंड। ठीक है दोस्तों, तो देखिए द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड काउजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट। देखिए कवि कहता है, ठीक है, इसका जो लेखक है, ये जो कवि जो है इसका लिखने वाले, वो देखिए कौन है, सुब्रमण्य भारती। ठीक है, सुब्रमण्य भारती ने इस पोएम को लिखा है दोस्तों। ठीक है, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, देखिए एक तमिल के रहने वाले व्यक्ति हैं और वो तमिल भाषा में लिखा हुआ था ये। ठीक है, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। ठीक है, देखिए किसके द्वारा, ए के रामानुजन, याद रहेगा दोस्तों। तो देखिए यानी कि सुब्रमण्य भारती ने लिखा था विंड पोएम को, और ये जो था तमिल भाषा में था। ठीक है, और तमिल भाषा जो था उसी से इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करने वाला व्यक्ति था ए के रामानुजन। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इस पोएम को, देखते हैं समझते हैं। देखिए क्या कहता है कि जब कभी हवा बहती है मजबूत से, एकदम पूरा बहुत तेजी से जब हवा बह रही होती है स्ट्रोंगली, ठीक है, काउजेज यानी कि कारण बनता है किस चीज़ का, डिस्ट्रक्शन का। डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, तबाहियाँ, यानी कि जब कभी तेज़ हवाएं चलती है, तूफान चलती है, ठीक है, तो क्या होता है कि पूरी तबाहियाँ वो फैलाता है ना, तो इसी चीज़ का कारण बनता है वो हवा। वो हवा अगर तेज तूफान के रूप में, अगर तेज तूफान का रूप ले ले तो वो तबाही का कारण बनता है। तो हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट, तो कवि कहता है कि तो हम लोग इसको अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं, कोई उपाय है क्या हवा को दोस्त बनाने का। तो चलिए पढ़ते हैं, देखिए कवि क्या सजेशन देता है, क्या सलाह देता है। देखिए वाइंड कम सॉफ्टली, हवा जब कैसा आता है, सॉफ्टली आता है, जब एकदम पूरा एकदम मतलब नरम हवा आता है, एकदम साधारण सा। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, उसमें क्या होता है कि खिड़कियों का जो शटर्स रहता है, शटर्स मतलब कि क्या हुआ दोस्तों, शटर्स का मतलब आप समझते हैं अच्छा तरह से, जो खिड़की लगाते हैं ना, वही जो खिड़की को बंद करते हैं केवाड़ी टाइप में जो रहता है छोटा सा, उसको शटर कहते हैं। ठीक है, तो खिड़की का जो शटर रहता है दोस्तों, उसको वो हवा नहीं तोड़ पाता। डोंट स्केटर द पेपर्स, और जब तेज हवा नहीं चलती है तो ना ही पेपर्स बिखेरते हैं, इधर उधर फैलते हैं, पेपर जो रहता है ना पड़ा हुआ अगर रूम में, वो इधर उधर नहीं फैलता है क्योंकि हवा नहीं पड़ रहा होता उस पर। आगे देखिए, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और ना ही, ठीक है, जो हमारा जो सेल्फ के ऊपर जो बुक्स रखा हुआ था, ठीक है, वो किताबों को भी वो धक्का मार के बाहर नहीं गिरा देता है हवा से। सेल्फ मतलब कि जहाँ पर किताबों को रखते हैं अलमारी वगैरह में जहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो उन किताबों को हवा मार के नीचे नहीं गिरा देता। जब एकदम सॉफ्ट हवा आ रहा होता है, एकदम साधारण सा हवा चल रहा होता है, तब क्या होता है कि कोई नुकसान नहीं होता है। कहने का मतलब है, कवि कहता है कि जब एकदम साधारण हवा चलता है, सॉफ्टली हवा चलता है, तो खिड़की का ना ही शटर टूटता है, ना ही पेपर जो होता है वो फैलता है, और ना ही सेल्फ में रखा हुआ जो बुक होता है वो गिरता है रूम में कहीं इधर उधर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आगे, अभी हम लोग अभी पढ़ेंगे, कवि दो तरह के कंडीशनों को बताएगा। देयर लुक वट यू डीड, यू थ्रो देम ऑल डाउन एंड यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स यू ब्राउट रेन अगेन। देखिए क्या कहता है, हवा के बारे में कहता है, देयर लुक, देखिए देयर लुक वट यू डीड, देखो ये तुमने क्या किया है, यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने ये सारे चीज़ों को नीचे फेंक दिया, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पेज को फाड़ दिया, यू ब्राउट रेन अगेन, और तुमने फिर से बारिश लाया। कवि कहता है कि
ये हवा जो है, ये हवा कितना सारा काम करता है। देखिए हवा कहता है कि देखो इस बारिश ने क्या क्या किया है, इस बारिश ने क्या किया है, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यानी कि जितने सारी चीज़ें थी, जब तुम तेज हो जाते हो, तूफान का रूप लेते हो, तो उन सारे चीज़ों को, जितना चीज़ के बारे में बताया था, पेपर वगैरह है ना, खिड़की वगैरह, तो इन सारे चीज़ों को जो है एकदम धक्का मार के नीचे गिरा देता है और किताबों के पेज को फाड़ देता है और बारिश जो है फिर से ले आता है। यानी कि जब स्लो हवा चलता है तो कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन जब तेज हवा चलता है तो बहुत ज़्यादा चीज शुरुआत हो जाता है। और देखिए, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, क्या कहता है हवा के बारे में कवि, कि तुम जो है ना हवा, तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो, किसी कमजोर आदमी का मजाक उड़, किसी कमजोर आदमी का जो है मजाक उड़ाने में, किसी कमजोर आदमी का ध्यान को अपने तरफ खींचने में। ठीक है, पोकिंग मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ध्यान खींचना। कवि कहता है हवा को, ठीक है, कि तुम जो हो ना हवा, तुम बहुत चालाक हो, तुम ना वीकलिंग लोगों को, यानी कि कमजोर लोगों को, ठीक है, तुम अपने तरफ खींचते हो, सबका ध्यान जो है अपने तरफ खींच के लाते हो, सब सबको जो है अपने तरफ खींच लेते हो, सबका ध्यान आकर्षित करते हो अपने तरफ, बहुत चालाक हो तुम। देखिए किस किस चीज़ का, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, जब तुम तेज चल रहे होते हो पूरा तेजी से, तब देखिए क्या होता है, क्रम्बलिंग हाउस, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस। देखिए फ्रेल का मीनिंग क्या लिखे हुए दोस्तों, आप लोग देखिए एक बार पहले खुद से, फिर आप लोगों को समझ में आएगा, फ्रेल मतलब कमजोर, ठीक है। क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग का मतलब भी देखिए लिखे हुए हैं हम, आप लोग देखिए ध्यान से, इसका पता चल जाएगा, उसके बाद आप अपने समझ जाइएगा। क्रम्बलिंग का मतलब कमजोर पड़ जाना, हाउसेस, यानी कि जब बहुत ही तेज हवाएं चल रही होती है तो जो घर होती है वो कमजोर पड़ जाती है, यही बता रहा है कवि, कवि बता रहा है। क्रम्बलिंग डोर्स, और दरवाजे जो होते हैं वो भी कमजोर पड़ जाते हैं हवा के कारण। क्रम्बलिंग रेफ्टर्स, यानी कि जो छत होती है घरों की, ठीक है, वो भी कमजोर पड़ जाती है, ठीक है। क्रम्बलिंग वुड, यानी कि जो पेड़ पेड़ जो खड़े रहते हैं, वुड मतलब यहाँ लकड़ी है, लेकिन कोई लकड़ी नहीं, खास करके यहाँ पे किसी पेड़ का बात कर रहे हैं, लेकिन पेड़ भी जो होता है, पेड़ भी कमजोर पड़ जाता है। क्रम्बलिंग बॉडीज, यानी कि शरीर, बहुत सारे शरीर, यानी कि बहुत सारे जीव जो हैं वो भी कमजोर पड़ जाते हैं। हवा इधर तेज चलना शुरू कर दे तो कोई आदमी टिक पाएगा क्या, कोई जानवर बाहर रह पाएगा क्या, अगर है तो उसका, उसके ऊपर उसका जान जाने का खतरा रहता है दोस्तों, है ना। आगे देखिए, क्रम्बलिंग लाइव्स, बहुत सारे जीवों का जीवन जो है वो कमजोर पड़ जाता है, खतरे में पड़ जाता है। क्रम्बलिंग हार्ट्स, यानी कि लोगों का दिल भी कमजोर हो जाता है। तो देखिए क्या कहता है, ये हवा जब बहुत तेज चलता है तो कितना सारा चीज बर्बाद कर देता है, कितने सारा चीजों में बदलाव ले आता है। क्या बताया पहले, कि घर जो होते हैं वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाते हैं, दरवाजे कमजोर हो जाते हैं, छत जो होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, पेड़ पौधे जो रहते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, बहुत सारे जानवर है, बहुत सारे जीव है, वो सारे जीव भी प्रभावित होते हैं, और जितनी बहुत सारी जीवन, और देखिए क्रम्बलिंग हार्ट, यानी कि लोगों का दिल भी कमजोर पड़ जाता है। द वाइंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, क्योंकि जो हवा का जो देवता है, वाइंड गॉड का मतलब क्या हुआ, भगवान का देवता, ठीक है, क्योंकि जो भगवान का देवता है वो विनोज करता है। विनोज का मतलब होता है फटकना, जिस तरह से सूप में डाल के हम लोग कुछ फटकते हैं ना दोस्तों, तो उसी तरह से देखिए क्या कहता है, कि बात कुछ ऐसा हो जाता है जब तेज हवा चलता है तो देखिए, विंड गॉड जो है, यानी कि भगवान, ये वायु का जो देवता है, ठीक है, वो फटकता है और क्रशेस देम ऑल, फटक देता है इन सारी चीज़ों को, किन सारी चीज़ों को, तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे जो कुछ पढ़े हम लोग, घर, उसका दरवाजा, खिड़की, पेड़ पौधा, बहुत सारा जीव जंतु, लोगों का दिल, इन सारे चीज़ों को क्रश कर देता है, कुचल देता है, क्या करता है, कुचल देता है। देखिए, ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, आप जो कुछ कहते हैं वो हवा आपका बात को नहीं मानता है। जैसे जब किसी इंसान का बात अगर हम लोग करें, तो इंसान को अगर हम लोग कुछ बोलते हैं तो होता क्या है कि इंसान हमारा बात सुन लेता है, हमारा बात जो है वो मान लेता है, ठीक है, लेकिन बात कुछ ऐसा हो जाता है कि मतलब वो हमारा बात को मानता ही नहीं है। हवा, हवा हमारा बात बिल्कुल नहीं मानता। अगर हवा को हम कहेंगे ए तुम पानी लेके आओ, तो वो पानी लेके नहीं आएगा, जब उसका मन होगा तब वो बारिश कराएगा, तब वो बादल को धक्का मार के लाएगा। आगे देखिए, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसलिए कवि कहता है कि इस तूफान से बचने के लिए एक ही उपाय है, चलिए हम लोग मजबूत सा घर बनाते हैं। बिल्ड मतलब बनाना, इसको बिल्ड पढ़ते हैं, ठीक है, तो इस बिल्ड को देखिए, बिल्ड मतलब कि बनाना, ठीक है, तो बनाना, तो क्या बनाना, स्ट्रॉन्ग होम्स, यानी कि मजबूत मजबूत घर। चलिए कवि कहता है कि ये जो तूफान आता है ना, इस तूफान से बचने के लिए दोस्तों, चलिए हम लोग मजबूत घर बनाते हैं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, चलिए दरवाजों को जोड़ते हैं एकदम फर्मली, यानी कि एकदम पूरा मजबूती से, समृद्ध तरीके से। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, चलिए लोगों को एक साथ जोड़ने का कोशिश करते हैं, समृद्ध बनाते हैं सारे जीवन को, जितने सारे लोग हैं सारे लोगों का जीवन को समृद्ध बनाते हैं।
मेक द हर्ट स्टेट फास्ट। और चलिए इंसानों को हम लोग क्या करते हैं, जो सभी का जो दिल है, सारे इंसानों का, ठीक है, उनको स्थिर करते हैं। हर्ट को मतलब, हर्ट मतलब दिल, और स्टेट फास्ट का मतलब स्थिर करना, ठीक है दोस्तों। तो कवि कहता है कि चलिए अगर हम चाहते हैं कि इस तूफान से बचें, ठीक है, तो हम लोगों को हर किसी का दिल को, ठीक है, एकदम स्थिर करना होगा, डरने से बचाना होगा, डरो मत, स्थिर करना होगा कि डरना नहीं है, इस तूफान से लड़ना सीखना होगा, हमें मजबूत घर बनाना होगा, हमें मजबूत दरवाज़ा बनाना होगा, हमें एक मजबूत इंसान बनना पड़ेगा। डू दिस एंड द वाइल्ड विल बी फ्रेंड्स विद अस। अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो हवा जो है, या तूफान जो है, वो हवा जो है हमारा दोस्त बन जाएगा। एंड द वाइंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। क्या कह रहा है कि जब हवा चलता है तो देखिए क्या कहता है, जब हवा चलता है तो जो कमज़ोर आग रहता है ना, उसी को और जला देता है। कहने का मतलब ये है, देखिए क्या कहता है, कभी कहता है कि जब थोड़ा सा कहीं पे आग लगा रहता है और वहाँ पर अगर हवा तेज़ चलना शुरू कर दे तो उस जगह पे आग बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। कहने का मतलब है जो कमज़ोर घर होता है, जो कमज़ोर इंसान होता है, उसके ऊपर अगर तेज़ तूफान आ जाए तो उसको बर्बाद ही कर देता है। लेकिन वही अगर मजबूत व्यक्ति रहे तो देखिए क्या कहता है, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा आग लगा रहता है कहीं पर, ठीक है, तो उसको और तेज़ कर देता है। समझ में आया दोस्तों, हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। इस हवा का दोस्ती जो है वो सच में बहुत ही बढ़िया है, इसे दोस्ती करो। वी प्रेज हिम एवरी डे। हम लोगों को इसका हर दिन प्रार्थना करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम मजबूती से अगर खड़े नहीं रहे तो इस तूफान से हम लोग ज़िंदगी में नहीं संभल पाएंगे। कहने का मतलब ये दोस्तों कि ये जो कविता जो हमारे बीच में आया, ये पोएम, इस पोएम के जरिए कभी हमें जो है ये हमारा जीवन के बारे में कभी बताना चाहता है कि ठीक है, जीवन को इतना मजबूत बनाओ कि लाइफ में कितना भी तरह का बड़ा बड़ा समस्या क्यों ना आ जाए। जैसे कि अभी कोरोना वायरस आ गया है अभी प्रेजेंटली, है ना, तो इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों का स्थिति जो है डगमगा गया है। तो डगमगाने का कारण भी है दोस्तों, ठीक है, कारण ये है दोस्तों कि जो लोग घर से बाहर हैं, ठीक है, उन सभी के पास अपना घर नहीं है रहने के लिए, वो किसी के और के ज़मीन में भाड़ा पर रहते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए दिक्कत यह है कि खाना खा पी के ठीक से नहीं रह पाते हैं, ठीक से अपना इम्यूनिटी सिस्टम नहीं बढ़ा के रख पाए हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि उसका बीमारी बढ़ रहा है दोस्तों, वो लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि अगर इस बीमारी से भी लड़ने का अगर बात किया जाए तो हम लोगों को अपना इम्यून सिस्टम जो है वो एकदम मजबूत रखना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं सेम उसी तरह से, ठीक है, जो कमज़ोर होता है उसको और कमज़ोर कर देता है ये बीमारी, और जो मजबूत होता है उसको तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि ये जो कविता हम लोगों को अपने जीवन से लड़ना सिखाता है। तो हम लोग इस कविता को पढ़ लिए दोस्तों, ये जो था ख़त्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये वर्किंग भी सारा नोट कर लिए होंगे। कुछ ही दिनों में आप लोगों का टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे हम, जिसमें क्या है होगा कि हम आप लोगों को क्वेश्चन देंगे और उसका आंसर भी कराएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, आगे का कल हम लोग पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।